सनातन धर्म के ध्वज रक्षक सदगुरु ऋतिकेश महाराज के श्रीमद् भगवत कथा रहस्यमय महोत्सव का प्रारंभ आज से हुआ है। 21 फरवरी 2023 तक प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक श्री श्याम नगर नवीन नगर रोड पाड़ी नागपुर में ये आयोजन होगा। आज सुबह भव्य कलश शोभा यात्रा शीतला माता मंदिर श्याम नगर से कथा स्थल तक निकाली गयी। पूर्णाहुति हवन एवं दिव्य भंडारा 21 फरवरी 2023 को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रखा गया है। इस महोत्सव के आयोजक सत्संग प्रेम सेवा समिति तथा विनीत आनंदम धाम परिवार नागपुर है। देखिए, कोई भी कथा व्यथा के निवारण के लिए होती है। कथा कोई प्रसिद्धि के लिए नहीं करते। भगवान राम और भगवान कृष्ण या भोलेनाथ की कथा में मनुष्य को जीना कैसे चाहिए, मनुष्य के जीवन में जब कोई परेशानी आए, उसको कल राजकुमार बनना हो, मतलब कल CM पद की ओथ लेनी हो और रात ही रात जेल हो जाए, तब उसको कैसे जीना चाहिए, वो भगवान राम ने दिखाया। कल उनको राजकुमार बनना था और उनको वनवास हो गया, उसके बाद भी उनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं गई। वास्तव में विपरीत परिस्थितियों में भी हम कैसे जी सकते हैं, अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रख सकते हैं, बल्कि मैं यूँ कहूँ, एयर होस्टेस की मुस्कुराहट से हम श्री कृष्ण की मुस्कुराहट की ओर बढ़ जाएँ, यही साधारण जगत से धर्म की यात्रा है। और इसी पर चर्चा चलेगी 7 दिन तक, लगातार लोगों के प्रश्न के जवाब दिए जाएंगे। हम भी एक समाधान सत्र ला रहे हैं जिसको आप दरबार का नाम दे सकते हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर और ज्ञान के आधार पर मनुष्य के उन समस्त प्रश्नों का हम उत्तर देंगे और वैज्ञानिक तरीके से उनको बताएंगे कि आप इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। ये भी एक दरबार होगा। देखिए, मैं दो तरीके से देखता हूँ। एक तो इन सब के नाम पर अगर भोले भाले लोगों को गाँवों में बरगलाया जाता है, कभी कभी मत परिवर्तन भी करा लिए जाते हैं, जिसको आप धर्मांतरण कहते हैं, वो भी होता आया बहुत पहले से। और दूसरी बात ये कि सिद्धि नहीं होती, मैं ये नहीं कहता। मैंने अभी आपको कह दिया कि जैसे विनोद कांबली बाएं हाथ के सिद्ध हस्त बल्लेबाज थे, वैसे सिद्धियां होती हैं, परंतु कौन कितना सिद्धि प्राप्त किया है वो उनको स्वयं प्राप्त होगा और भारत की जनता को मालूम होगा, जिनको लाभ होता होगा उनको मालूम होगा। और सारे पत्रकार और चैनल लगे हुए थे, वो पत्रकार जहाँ न पहुँचे सरकार, वहाँ पहुँचे पत्रकार, तो पत्रकारों ने सब खोज लिया होगा जो खोजना होगा। मेरा ऐसा मानना है कि ज्ञान की अवस्था जब धीरे धीरे बढ़ती है तो हमारे द्वारा जो आप नहीं जानते हो आपके लिए चमत्कार है, मैं जानता हूँ, मेरे लिए साधारण चीज़ है। ऐसे हर चीज़ों में होती है, अरे आपने ऐसा कैसे कर लिया, जादूगर से, अरे आपने ऐसा कैसे कर लिया, आप उसका अभ्यास नहीं किए, आप नहीं जानते हैं इसलिए आपको ऐसा लगता है। किसी अनपढ़ आदमी को कह दो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस मिला के पानी मिलेगा, अरे मूर्ख हो क्या, हवा हवा कैसे पानी बनेगा, वो नहीं बता सकते। लेकिन जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, लैब में जाते हो, मिलाते हो, तो आपको पता चलता है पानी बन जाती है। तो सिद्धि और चमत्कार भी को भी मैं ऐसे ही देखता हूँ। देखिए, सनातन धर्म खतरे में है नहीं, खतरे में आ गया है, अब बचा क्या है। मैकोले की शिक्षा व्यवस्था है, लोग पागल हो रहे हैं, आत्महत्याएँ हो रही हैं, केवल भौतिक दौड़ दौड़ रहे हैं, आध्यात्मिक शांति मन में है नहीं। जिससे पूछो वही आकर के पहले बोलता है, हम तो देश दुनिया में जाते रहते हैं, लोग आते हैं, मेरा एक बेटा वहाँ, एक बेटी वहाँ, हमारे पास इतने करोड़ रुपए, इतना बंगला, हाँ फिर बोलो, आधे घंटे तक वो बोलते हैं, मन में शांति नहीं है। मैं पूछता फिर क्या है तुम्हारे पास, जब आधे घंटे से अपना इतना तुम व्याख्यान दे रहे हो, शांति ही नहीं है, लव ही नहीं है, पीस ही नहीं है, इटर्नल ब्लिसफुलनेस ही नहीं है, तो क्या है आपके पास। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज़ शांति है, आनंद है, प्रेम है, और धर्म का काम यही है, एंड स्पिरिचुअल लीडर का काम यही है कि आपको साइंटिफिक तरीके से, ज्ञानवंत तरीके से आपको अच्छा जीवन जीना सिखा दे। मैं सनातन धर्म के नाम पर जो कुछ भी पाखंड है उसके खिलाफ भी बोलता हूँ और सनातन धर्म में जो शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, उसके पक्ष में बोलता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने कहा कि आप भगवान हो, मुझे युद्ध ऐसे ही जिता दो, तो भगवान ने डांटते हुए कहा, नहीं, अभ्यास और वैराग्य चाहिए। विवेकानंद ने भी कहा था, नो द ट्रूथ एंड प्रैक्टिसाइज द ट्रूथ, प्रैक्टिस जरूरी है। तो मैं भी लोगों को कहता हूँ, आप दुनिया में सब पा सकते हो, बस थोड़े से साधना और प्रैक्टिस की जरूरत है। शॉर्टकट अपनाने का प्रयत्न मत करिए, जब जब शॉर्टकट अपनाएंगे तो आपको धोखा होगा। कभी कभी ऐसा होता है, मैं रोज ही पढ़ता हूँ, एक आया पाखंडी बाबा, उसने रातों रात धन दूना करने के लिए कहा और स्त्रियों के गहने चुरा के ले गया। मैं पूछता हूँ, बाबा ही पाखंडी था कि बाकी ये लोग कौन थे। भारत सरकार 7 साल में पैसा दुगना करती है, ये रातों रात दुगना कराने क्यों आए थे, लोभी आप थे इसलिए ठगे आप जाओगे। लोभ जहाँ होगा वहाँ आप ठगे जाओगे, और जहाँ आप शाश्वत तरीके से अपने परिश्रम से ज्ञान के बल पर आनंद पाना चाहोगे, वहाँ पर आपको कोई नहीं ठग सकता। आज निमंत्रण जा रहा है और हमारा निवेदन होगा कि अगर वो यहाँ पर हों तो उनका आगमन हो, और बाकी सरसंघ चालक जी की अपनी व्यस्तताएँ होती हैं, और निमंत्रण देना हमारा काम है, आना ना आना सरसंघ चालक का काम है।
अतः शहर के सभी सनातन प्रेमियों ने इस शुभ अवसर पर उपस्थित रहकर पावन श्रीमद् भागवत कथा सहसम महोत्सव का लाभ लेने की अपील की गई है। NBCN न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।